हेड होता है, ठीक है, जो सुपरवाइजिंग इन्विजिलेटर एक है, उसके बाद आपका स्कूल के बेसिस पे कितने बच्चे। Wish I found some better sounds no one's ever heard. Hey, what's up guys? I'm Akash and you're watching Akash Talks. तो यार बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहा था कि भाई ICSE का माहौल कैसा होगा, या फिर हम लोगों का फर्स्ट एग्जाम है 22 फरवरी या फिर 22 फरवरी, तो एग्जाम कैसा होगा, सुपरवाइजिंग एग्जाम कैसा आएगा, तो इसके बारे में, या फिर इन्विजिलेटर कितने आएंगे, कैसा एग्जाम होगा, या फिर क्या क्या चीज हमको, व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी डू नॉट, तो ये सारे चीज मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर तुम ICSE 2019 के बैच हो या फिर ICSE के किसी 20 के बैच या फिर किसी बात के बैच होगी, तो पूरे वीडियो को देखो, तुमको एक चीज अच्छे तरीके से जानने को मिलेगा और क्या क्या चीज तुमको लेकर तुम अंदर जा सकते हो, ये भी सारे चीज तुमको एक साथ इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो यार अगर तुम चैनल पे नए हो या फिर अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो, तो वीडियो को फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यार वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लाइक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है सब क्रिएटर्स के लिए, आप जानते ही हो। और यार अगर और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी एक अच्छा चीज जानने को मिले, ठीक है। तो अभी हम आते हैं पर्टिकुलरली वीडियो में, तो आपको आपके साथ थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या चीज आपको चाहिए ICSE में लिए, या फिर क्या क्या चीज आपको करना चाहिए, या फिर क्या क्या चीज आप ले जा सकते हो ICSE में, और कैसे चेकिंग होता है, ये सारे बारे में हम बात करेंगे। तो ये लास्ट बहुत सारे वीडियो में आपके साथ बात किया था कि क्या क्या चीज आपको करना है, कि आपको ICSE में अच्छा मार्क्स उठा सको, 90% के ऊपर उठा सको। मैं बहुत सारे नोट्स भी प्रोवाइड किए थे आप लोगों को, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा हो तो जाकर चेक कर सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल पर अंदर जाओ, उधर भी आपको बहुत सारी चीज मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई टोपोग्राफी या फिर मैप पॉइंटिंग है, बहुत सारी चीज के ऊपर एक वीडियो बना दो, तो यार मैं ट्राई करूंगा, बस मेरा खुद का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूं, मेरा सिर्फ बोलता सकता हूं पैशन है, और बोल सकते हो कि मैं आप लोगों को मदद करनी है, फिर हेल्प करने के लिए मैं करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जब ICSE दिया था ऐसा कोई चैनल नहीं था जब आप लोगों को बोलेगा कि क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने मेरा भाई बहन है, देखो फर्स्ट ऑफ मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर का, अगर जो बाहर का लोग हिंदी समझे वो इसे देखेगा, बट कोई मैं इंग्लिश में इसीलिए नहीं बनाता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि फॉरेन लैंग्वेज, फिर फॉरेन में कोई कंट्री मेरे फर्स्ट बोल, तो ICSE सात दुआ में होता है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट देश में होता है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, फिर इंडिया के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि सब लोग मेरे भाई बहन है और ऑल इंडियंस एंड माय ब्रदर एंड सिस्टर, तो इसीलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल करता हूँ। तो ये अलग सा बात है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे क्या क्या, ये फिर ICSE का माहौल कैसा रहेगा, या फिर हॉल एग्जामिनेशन हॉल कैसा रहेगा, ये इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो 22 आपका एग्जाम है, 11 बजे से एग्जाम है आपको, पुणे 11 बजे, या फिर 10:45 आपको पेपर दिया जाएगा, 15 मिनट रहेगा आपका रीडिंग टाइम, और उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो यार इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा क्या क्या चीज करना पड़ेगा, जस्ट एट द एकदम पहले एग्जाम के पहले मैं बनाऊंगा एक वीडियो, ताकि आप लोगों को अच्छी चीज आपको जानने को मिले। तो यार इस वीडियो में आपको एक इन जनरल बोलूंगा क्या होता है ICSE में। तो यार एक आता है आपका सुपरवाइजिंग इन्विजिलेटर, जो एकदम हेड होता है, ठीक है, जो सुपरवाइजिंग इन्विजिलेटर एक है, उसके बाद आपका स्कूल के बेसिस या फिर कितने बच्चे आपके स्कूल में है, उसके बेसिस आपके अंदर जितने भी इन्विजिलेटर आता है, या फिर जो आपका देखता है कि कौन चीटिंग कर रहा है कौन नहीं चीटिंग कर रहा है, तो ऐसे बॉर्ड आपका पेज प्रोवाइड करेगा, तो ये भी दो या फिर तीन टीचर्स आएगा। तो इसका डिपेंड करता है कि आपका स्कूल के बेसिस, आपका स्कूल के स्ट्रेंथ क्या है, कितने बच्चे ICSE दे रहा है इस साल, या फिर इसके बारे में इसके बेसिस आपका टीचर आता है। और एक ही होता है जो है सुपरवाइजिंग इन्विजिलेटर, जो सुपरवाइज करता है पूरे एग्जाम को, ठीक है, कौन सा क्या करेगा ये सारी चीज वही से हैंडल करता है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं क्या कैसे होगा फर्स्ट एग्जाम। तो यार आप में से किसी एक स्टूडेंट को ऐसे अगर सुपरवाइजिंग इन्विजिलेटर जो है आप में से किसी एक स्टूडेंट को बुलाएगा, बुलाने के बाद आपको बोलेगा कि भाई देखो कि ये जो मेरा नोट्स है, ये फिर ये जो मेरा क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर पूरा सील तो है, अगर आप देख सकते हो कि पूरा सील है, तो ऐसे करके वो लोग दिखाएगा। उसके बाद आप में से किसी एक लोगों को बोलेगा कि आओ ये आकर काटो, या फिर आपको सीजर देगा या फिर नाइफ देगा, आपको बोलेगा कि ये काटो, तो आपके सामने ही वो सील ब्रेक ओपन होगा, ताकि इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि इसमें से कभी या फिर इसमें से कहीं अभी तक कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है, यही इसका मेन मतलब है। तो सुपरवाइजिंग इन्विजिलेटर आपके सामने ही वो कटेगा, अगर नहीं कटा तो आप कंप्लेन कर सकते हो, वो हमेशा आपके सामने ही कटता है, ठीक है, ये हमेशा आपके सामने ही होता है ये सारी चीज। तो इसके बाद करने के बाद 11-15 मिनट के पहले आपको पेपर दिया जाएगा, तो तभी आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा क्या क्या चीज है। तो मैंने पहले बोला 15 मिनट फॉर रीडिंग टाइम, जो रीडिंग आप अच्छे तरीके से कर लो, और यार अगर लैंग्वेज है तो आपको, तो मैं पहले एक वीडियो में बोला था कि लैंग्वेज एग्जाम में क्या क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके बाद आपको 5 मिनट के पहले या फिर 10 मिनट के पहले आपको आंसर शीट दिया जाएगा,
जिस दिन आपका नाम रहेगा, आपका एक सिग्नेचर रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से आपको सिर्फ यूआईडी आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा पेपर जो 2000 में जो फर्स्ट बैच था उधर से ही एकदम ये इम्प्लीमेंट हो गया कि आपको एक आपका पेपर या फिर आपका नेम नहीं रहेगा, आपको सिर्फ यूआईडी कोड रहेगा और इंडेक्स नंबर रहेगा, उसके वजह से आपका पेपर आपके आंसर शीट आपके सामने आ जाएगा और उसको कहता है बुकलेट। ठीक है, तो उस बुकलेट में पर्टिकुलरली 16 पेज रहता है और मैथ्स के लिए 20 पेजेस रहता है, एक बुकलेट है। ठीक है, एकदम बुकलेट है, मैं अगर चाहते हो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट करो, कमेंट करो इसके बारे में। ठीक है, तो वैसा रहता है और आपको दिया जाएगा, तो आपको उधर ही करना है। और यार फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कोई कुछ चीटिंग वीटिंग मत करो, क्योंकि अगर पकड़े गए तो पूरा ऐसे कैंसिल हो सकता है, ये बोर्ड के मामला है, ये स्कूल के मामला नहीं है कि अगर पकड़े गए तो प्रिंसिपल के पास ले जाएगा उसके बाद छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर वो लोग चाहते हैं तो तुमको आईसीएसई एक साल के लिए कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यार प्लीज ऐसा मत करो, चीटिंग मत करो, किसी के साथ कुछ डिस्कस मत करो, मैं जितने भी चीज बोला हूँ प्लीज ध्यान में रखो, डिस्कस मत करो, अपने पेपर के ऊपर कंसंट्रेट करो, किसी के ऊपर किसी के तरफ मुड़ना भी मत, क्योंकि वो लोग अगर तुमको चाहते तो पकड़ सकते हैं, बहुत सारे झमेला होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज ये सब मत करो। और यार बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, यार अगर तुम करते हो तो यार तुम खुद ही फंस जाओगे, यही मेन बात है, खुद ही फंस जाओगे। तो वैसा कुछ नहीं करनी है हमको, हमको सिर्फ और सिर्फ मेरा एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट करनी है, हमको अच्छा मार्क्स आएगा, जितने भी टिप्स मैंने ऑलरेडी बता दिया वो सब इम्प्लीमेंट करो, फॉलो करो, एक अच्छा मार्क्स उनको आ जाएगा। ठीक है, और यार आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पानी का बॉटल भी आप नहीं ले जा सकते एग्जामिनेशन हॉल में, कॉम्पास नहीं ले जा सकते हो, पानी के बॉटल नहीं ले सकते, वो सब लोग प्रोवाइड करेगा आपको, पानी के बोतल भी वो लोग प्रोवाइड करेगा, सिर्फ आपका पेंसिल बॉक्स रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, आपका पॉकेट वगैरह सब चेक हो सकता है, ईच एंड टाइम एवरी टाइम होगा, आपका पॉकेट चेक होगा, आपका कॉलर बटन चेक होगा, अगर तुम गर्ल्स हो तो आपको स्कर्ट भी चेक होगा। ठीक है, स्कर्ट का जो पॉकेट फॉकेट रहता है, आपका स्लॉक्स भी चेक हो सकता है, अगर वो लोग तुमको तुम्हारे ऊपर कुछ खराब ऐसा कुछ है जिसको तुम चीटिंग करके करते हुए पकड़े गए ऐसा कुछ है, तो ऐसा चीजें हो सकता है। तो फिलहाल मैं वीडियो में आपको बोल दिया कि क्या क्या चीज अलाउड है, क्या क्या चीज नहीं अलाउड है, तो ये एकदम आईसीएसई से पहले हम लोगों को बता दिया। तो यार चीटिंग फिटिंग कुछ मत करो, किसी से कुछ मत पूछो, जितना आपके अंदर जो है वही से लिखो, अगर पकड़े गए तो यार अगर नहीं पकड़े तो ठीक है, अगर पकड़ेगा तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई चीटिंग करो, क्योंकि पकड़ेगा तो पूरा आईसीएसई क्या तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो सकता है। ठीक है, और ये आपका जीवन का लाइफ का सबसे आसान एग्जाम होगा। ठीक है, सबसे आसान एग्जाम होगा, तो नेशनल लेवल एग्जाम के दे रहे हो, नेशनल लेवल एग्जाम तुम लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो यार टेंशन नहीं लेने का, मैं जितनी भी चीज बोल रहा हूँ ये सब सारी चीज करो, तुमको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो फिलहाल तो वीडियो में इतना ही, अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए आईसीएसई के बारे में और भी कैसे कैसे क्या चीज होता है, तो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ताकि मेरे को पता चले, तो मैं आप लोगों को आईसीएसई और क्या क्या चीज होता है तो इस बारे में भी आप पार्ट टू वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो वीडियो में इतना ही, देने के लिए बहुत धन्यवाद, आपका अच्छा लगता है लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मैं भी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।